में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दम आलू, जिसके लिए हमें चाहिए आधा किलो आलू उबले हुए, 5 टमाटर कटे हुए जिसकी हम प्यूरी बनाएंगे, अदरक कुटी हुई, 3 मिर्ची बारीक कटी हुई, लहसुन, ऑयल, हल्दी पाउडर चाहिए आधा चम्मच, जीरा पाउडर चाहिए आधा चम्मच, काली मिर्च चाहिए आधा चम्मच, कुटा हुआ धनिया चाहिए आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर चाहिए 2 चम्मच, साबुत जीरा चाहिए आधा चम्मच, स्वाद अनुसार नमक और भुना हुआ जीरा चाहिए आधा चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच कसूरी मेथी। अब मैं पहले आलू डीप फ्राई करूंगी, इसके लिए मैं गैस ऑन करो। ऑयल डाल लेंगे हम इसमें, ऑयल गर्म होने देंगे पूरा अच्छे से। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें आलू तलेंगे, फ्राई करेंगे अच्छे से। इसमें आप आलू छोटे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े नहीं लें। गैस को कम कर दीजिए, धीमी आंच में आलू फ्राई करें अच्छे से। खाने में बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। वैसे तो दम आलू बहुत तरीकों से बनते हैं, आप एक बार ये तरीका भी आजमा के देखिएगा, बहुत पसंद आएंगे आपको ये दम आलू। देखिए ये फ्राई हो रहे हैं, इनको हल्का ब्राउन फ्राई करना है हमें, अच्छे से फ्राई करना है। जब सभी आलू ब्राउन कलर के हो जाएं, अच्छे से तल जाएं, फिर हमें इनको बाहर निकालना है। देखिए अच्छे से तल रहे हैं, देखिए हमारे ये आलू है जो वो ब्राउन हो चुके हैं अच्छे से। अभी इनको हम प्लेट में निकालेंगे, देखिए अच्छे से हो गए ये ब्राउन। ये देखिए देखिए अपने ये आलू अब तल के एकदम तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें कोक से छेद करेंगे, हल्के हल्के से छेद करेंगे ऐसे, सभी आलुओं में ऐसे छेद करके रख लेना है, जिससे क्या आलुओं में ग्रेवी अच्छे से चली जाए और ये फिक्के फिक्के ना लगे। देखिए सारे आलुओं में छेद हो चुके हैं इस तरह से, देखिए अब हम गैस ऑन करेंगे। जितनी देर में पैन गर्म होता है, इस दिन में हम टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। इसमें सभी टमाटर डाल दिए मैंने, हरी मिर्च कटी हुई और लहसुन, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। आप इसे प्याज भी डाल सकते हैं।
मैंने प्याज है, आप इसमें प्याज और ये देखिए नमक टमाटर की प्यूरी तैयार है। पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। मैंने जो आलू फ्राई करे थे वही ऑयल यूज कर रही हूँ मैं, उसी में से हम 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। आप इसमें तेज पत्ता भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए, जो मैंने बताया नहीं था लेकिन आप डाल सकते हैं। इसमें ऑयल गर्म हो चुका है, तेज पत्ता डालेंगे, जीरा डालेंगे, कुटा हुआ धनिया डालेंगे, अदरक का पेस्ट। आप गैस को कम कर देना है, देखिए अपना टमाटर की प्यूरी डालेंगे। आप इसमें प्याज भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, मैंने यूज नहीं किया, आप यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। गैस को तेज करना है थोड़ा। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, कुटा हुआ जीरा पाउडर और काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। हमारा मसाला पक रहा है, इसमें कलर आ गया है। अगर आपको कलर ज्यादा लाना है तो आप देगी मिर्च भी यूज कर सकते हैं इसमें, जिससे और भी अच्छा कलर आएगा। मसाले को पकने देना है अच्छे से। गैस को कम कर दे रहे हैं, देखिए ये अपना मसाला पक चुका है अच्छे से। अब हम इसमें आलू डालेंगे, गैस को कम कर देना है। और आधा गिलास पानी डाल के
इसको 5 मिनट तक पकाना है। आधा गिलास ही डालना है, अगर आपको थोड़ा गाढ़ा रखना है तो आधे से भी कम डालिए, आधे से आधा पानी, आधा गिलास पानी डालिए। इसमें मैंने बड़े आलू यूज करे हैं, आप छोटे आलू भी यूज कर सकते हैं। देखिए अब इसे आधा चम्मच गरम मसाला डालना है। ये देखिए मैंने गरम मसाला डाल दिया है। अगर हम कच्चे आलू बनाते हैं फिर उनको ग्रेवी में पकाते हैं तो वो बिखर जाते हैं, इसलिए उबाल के फ्राई करके बनाने से ये आलू बिखरते नहीं है, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आप एक बार जरूर ट्राई करें, जरूर बना के खिलाएं। अब हमें इसको ढक देना है 5 मिनट तक, इसको धीमी आंच में पकाना है। देखिए अपनी दम आलू तैयार है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये हमारे दम आलू तैयार है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल लेंगे। देखिए हमारे दम आलू तैयार है एकदम, कितने अच्छे लग रहे हैं। आप एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।